एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सारा आर्ट एंड डिज़ाइन। आज की वीडियो का टॉपिक है बहुत ही ब्यूटीफुल सा ट्राउज़र डिज़ाइन। इसको आप बना सकते हैं अपने ट्राउज़र पे, अपने स्लीव्स पे, और ये बनने में बहुत ही सिंपल है, आसान है और बहुत ही जल्दी बन जाता है। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर विज़िट कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं डिज़ाइन की तरफ। तो मैंने लिया है यहाँ पर बुकरम की स्ट्रिप। आप यहाँ पे फ्यूज़ पेपर भी यूज़ कर सकते हो, और इसकी जो विड्थ रखी है वो रखी है यहाँ पर 2 सेंटीमीटर। तो 2 सेंटीमीटर होता है 1 इंच से 1 से 1 पॉइंट का। तो इसकी जो लेंथ है वो है यहाँ पर 2.5 इंच, और यहाँ पे हमें 2 स्ट्राइप्स कट करनी है। एक 2.5 इंच इसकी लेंथ रहेगी और दूसरे की लेंथ रहेगी 3.5 इंच। और इस तरीके से इसको सेंटर से फोल्ड करके यहाँ पर इसको ट्रायंगल में कट करना है। आप इस तरीके से इजीली कट कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप एक कट करने के बाद दूसरे को इस पोजीशन में रख के साइड से इसको कट कर दीजिए। अब हमें करना है इसे फैब्रिक पे पेस्ट। तो ये हैं 3.5 इंच वाली स्ट्राइप्स और ये हैं 2.5 इंच वाली स्ट्राइप्स। सबको मैंने फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लिया है और उसको इस तरीके से सेंटर से कट कर लेना है। फैब्रिक कटिंग के बाद अब हमें 2 स्ट्रिप्स उठानी हैं और उनको आपस में स्टिच करना है। राइट साइड इनकी अंदर की तरफ रहेगी और जो रॉन्ग साइड है वो बाहर की तरफ रहेगी। हमें यहाँ कॉर्नर से, सिर्फ कॉर्नर पे इसके सिलाई लगानी है और इसको फोल्ड कर देना है। और जहाँ पे भी आप सिलाई लगाएं, प्लीज़ 1 से 2 स्टिचेस जो हैं वो इसको लॉक करने के लिए लगा दें ताकि ये खुले ना। सिलाई लगने के बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करना है। और यहाँ पे मैंने लिया है फैब्रिक ग्लू। फैब्रिक ग्लू से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है स्ट्रेट वाला, उसको अंदर की तरफ को फोल्ड करना है। आप यहाँ पे फेवी बॉन्ड का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर आप कोई भी फैब्रिक ग्लू जो है वो ले सकते हैं। पेस्ट करने के बाद हमें इसे अब सीधा करना है। कोई भी छोटी नोकदार चीज़ ले लीजिए जिससे कि ये इजीली फोल्ड हो जाए अंदर की तरफ। फोल्ड करके हमें इसका कॉर्नर निकाल लेना है। इसका कॉर्नर निकलने के बाद हमें इसे सेंटर से फोल्ड करना है। सेंटर फोल्ड होने के बाद ये कुछ इस तरीके का वी शेप में बनेगा। अब हमें इसको सिलाई लगा के फिक्स कर देना है। सारे जो वी शेप्स हैं हमें इसी तरीके से तैयार कर लेने हैं। पूरे वी शेप जब हमारे रेडी हो जाएंगे तब हमें यहाँ पर एक बुकरम का फैब्रिक लेना है। बुकरम की जो लंबाई है वो 10 इंच और चौड़ाई है वो 6 इंच रहेगी। और इस पे हमें जो 3.5 इंच वाला हमने कट किया था वी शेप बनाया है उसको रखना है और उसकी शेप को मार्क करना है। अब जो अंदर वाला हिस्सा है उनको हमें आपस में स्ट्रेट लाइन से मिला देना है, और बाहर वाले हिस्से का मार्जिन 0.5 इंच, 1 इंच जिसमें आप कंफर्टेबल हो आप उतना रख सकते हैं।
अब बुकरम के इस पैटर्न को कट करने के बाद हमें फैब्रिक पे पेस्ट करना है इसको। इसका हमें सेंटर मार्क करना है और जो हमारे ट्राउज़र का सेंटर है उस पे रख के हमें इसको सिलाई लगानी है। अब हमें इसके अंदर का एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है वो कट करना है और जो कॉर्नर है उस पर हल्का सा कट लगाना है ताकि ये इजीली फोल्ड हो जाए। इसके फोल्ड होने के बाद हमें इस पर लगानी है कच्ची सिलाई। अब यहाँ पर हमें पहले जो हमने 3.5 इंच वाला मार्क किया था नीचे से सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए हमें इसको वहाँ पर प्लेस करना है। दूसरी साइड भी हमें सेम वही जो ट्रायंगल है उसको प्लेस करना है। और इसके अंदर हमें छोटे वाले ट्रायंगल्स लगाने हैं। बाद अब हम इसे ग्लू के साथ पेस्ट कर लेंगे और इसके ऊपर अब हम लगा देंगे सिलाई। सिलाई लगाने के बाद ये अच्छे से सेट हो जाएगा और नीचे वाला जो हिस्सा है इसको फिनिशिंग देने के लिए यहाँ पर हम करेंगे फैब्रिक पट्टी का यूज़। तो उसके लिए मैंने ली है यहाँ पर ये फैब्रिक पट्टी जो के है अराउंड, जिसकी विड्थ है 2 इंच और इसकी चौड़ाई आप ले लोगे जितना आपको रिक्वायरमेंट है। अब हम यहाँ पे लगा देंगे एक सिलाई और इसको अंदर की तरफ कर देंगे फोल्ड। और यहाँ पे कच्ची सिलाई दे दीजिए, बाद में हम इसे तुरपाई करेंगे। दूसरी साइड भी हमें सेम इसी तरीके से करना है। और ये है इसका फाइनल लुक जो कि देखने के बाद कुछ ऐसा लगता है बनने के बाद। आप चाहो तो इसमें कुछ बीड्स वगैरह या फिर बटन वगैरह भी यूज़ करके आप इसको सेटल कर सकते हो। होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, डिज़ाइन अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, डिज़ाइन अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।